दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास 5 है। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो हमारा लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास है, इस क्लास में हम किसी लॉजिक के अनुसार सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो हम लॉजिक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो तैयब महमूद के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कॉमेंट करके मुझसे ये कहा कि इनके पास में दो मोटर है और दो पानी की टंकी है। एक पानी का टंकी हाइट पर रखा गया है और एक पानी का टंकी नीचे में रखा गया है। अब जो नीचे वाला पानी का टंकी, इसके साथ में दोनों के दोनों मोटर लगा हुआ है, यानी कि मोटर के द्वारा हम नीचे वाले पानी को ऊपर वाले टंकी में पहुंचाते हैं। तो यहां पे इन्होंने बेसिक डिटेल बता दिया कि इनका सेटअप किस प्रकार से है। उसके बाद इन्होंने लॉजिक बताया कि हमारा जो मोटर है वो किस प्रकार से ऑपरेट होना चाहिए। इन्होंने ये बताया कि इनका जो दोनों पानी का टंकी है, दोनों के दोनों में लेवल स्विच का इस्तेमाल किया जाएगा। नीचे वाला जो पानी का टंकी होगा उसमें जो लेवल स्विच हम लगाएंगे उसका काम ये होगा कि यदि पानी का लेवल कम हो जाता है तो मोटर को चालू ना होने दें। और ऊपर वाले टंकी में जो लेवल स्विच होगा उसका काम ये होगा कि यदि पानी का टंकी फुल हो जाता है तो मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर दे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और लॉजिक दे दिया जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो हमारा मोटर नंबर 1 है यदि वो ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में जो मोटर नंबर 2 है वो ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड के बाद ऑन हो जाना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी कंडीशन रख दिया कि जो हमारा मोटर है उसको हम मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकें और ऑटो में भी हम उसको चला सकें, लेकिन यहाँ पे इंटरलॉकिंग दोनों कंडीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक इन्होंने दे दिया एक मोटर को ऑपरेट कराने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इनके लॉजिक के अनुसार सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे दोनों मोटर हैं इन मोटर के लिए हम एक स्टार्टर बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्यूएल स्टार्टर बना दिया हूँ। ड्यूएल स्टार्टर मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से इसी को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट स्टार्टर है ये मोटर नंबर 1 को ऑन करने के लिए है और ये वाला स्टार्टर हमारा मोटर नंबर 2 को ऑन करने के लिए है, ठीक है। तैयब जी ने जो लॉजिक दिया था इसमें इन्होंने लास्ट में ये कहा था कि जो हमारा मोटर होगा उसमें इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन दोनों कॉन्टेक्टर को आपस में इंटरलॉक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा पावर सप्लाई है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। आप देख सकते हो कि यहाँ से भी फेज सप्लाई को मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ से भी मैंने पावर सप्लाई को रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो कॉन्टेक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मेरा कॉन्टेक्टर है इसका जो NC कॉन्टेक्ट है इस NC कॉन्टेक्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो कॉन्टेक्टर का जो NC कॉन्टेक्ट होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसका जो NC कॉन्टेक्ट है इसका इस्तेमाल मैं M1 कॉन्टेक्टर के सर्किट में कर दूँगा। इसी प्रकार से M1 कॉन्टेक्टर का जो NC कॉन्टेक्ट है इसका इस्तेमाल हम M2 कॉन्टेक्टर के सर्किट में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो NC कॉन्टेक्ट है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। सेम टू सेम हम यहाँ पे भी कर देंगे। यहाँ पे हम इंटरलॉकिंग किस प्रकार से किए एक बार समझ लीजिए। देखिए जो भी हमारा फेज सप्लाई है उस फेज सप्लाई को हमने लाके इस NC कॉन्टेक्ट में कनेक्ट कर दिए। अब जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा वो इस टर्मिनल पे मिलेगा, तो इस टर्मिनल से हमने एक वायर को कनेक्ट करके ले गए और इसको ले जाके सीधे ही दूसरे कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि यदि हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑफ है तभी पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए इस कॉन्टेक्टर में जाएगा, लेकिन यदि ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो NC कॉन्टेक्ट हमारा NO बन जाएगा। उस कंडीशन में पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने केवल एक कॉन्टेक्टर को इंटरलॉक किए, दूसरे कॉन्टेक्टर को भी इंटरलॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फेज सप्लाई है उसको ले जाके NC कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसके आउटपुट पावर सप्लाई से ले जाके दूसरे कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। सेम कनेक्शन यहाँ पे किया गया है जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमने दो दो स्टॉप पुश बटन इस्तेमाल किए हैं इनको रिमूव करते हुए हम केवल एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तैयब जी ने जो लॉजिक दिया था उनके अनुसार हम केवल एक मोटर को एक टाइम पे रन करा सकते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये जो मेरा सेलेक्टर स्विच होगा इसके द्वारा हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से मोटर को ऑन करना है। अब ये जो सेलेक्टर स्विच का कॉमन टर्मिनल होता है इसको पावर सप्लाई हमारे स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से जाना चाहिए, यानी कि जो भी पावर सप्लाई आएगा स्टॉप पुश बटन में उससे पावर सप्लाई सीधे सेलेक्टर स्विच के कॉमन टर्मिनल पे जाना चाहिए। अब ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसके द्वारा हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें मोटर 1 को ऑन करना है या फिर मोटर 2 को। यदि हम सेलेक्टर स्विच को इस पोजिशन पर रखते हैं तो हमारा मोटर नंबर 1 ऑन होगा
और यदि हम सिलेक्टर स्विच को इस पोजीशन पर रखते हैं तो हमारा मोटर नंबर 2 ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा ओवरलोड रिले था उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। इनपुट पावर सप्लाई हम ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो टर्मिनल है इसका कनेक्शन हमने इस ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टैक्ट के साथ ऑलरेडी कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तैयब जी ने हमें ये भी बताया था कि इनके पास में 2 फ्लोट स्विच है, एक फ्लोट स्विच अंडरग्राउंड वाले टैंक में लगेगा और एक फ्लोट स्विच ओवरहेड वाले टैंक में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाला टैंक है उसमें जो हम फ्लोट स्विच लगाएंगे उसका एनसी कॉन्टैक्ट हमें इस्तेमाल करना होगा और जो हमारा ओवरहेड टैंक है उसका हमें एनओ कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यदि आपको फ्लोट स्विच के बारे में नहीं मालूम कि किस प्रकार से फ्लोट स्विच वर्क करता है तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ में इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। अब ये जो दोनों फ्लोट स्विच है इसको हम डायरेक्टली इस सर्किट में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम अलग से एक रिले का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे एक अजलरी रिले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो लॉजिक दिया गया था उस लॉजिक में ये कहा गया था कि जो हमारा मोटर है उस मोटर को हम ऑटो में भी ऑपरेट करा सकें और मैनुअली भी हम उसको ऑपरेट करा सकें। ऑटो में ऑपरेट करने का मतलब ये है कि हमारा फ्लोट स्विच वर्क करना चाहिए इस मोटर को ऑन और ऑफ करने के लिए, और मैनुअल का मतलब ये है कि हम पुश बटन को प्रेस करके मोटर को ऑन कर सकें। तो यहाँ पे मोटर को ऑटो और मैनुअल में ऑन और ऑफ करने के लिए हमें सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो हम सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल करेंगे इसका नाम हमने रख दिया ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच। अब ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसमें जो ये वाला टर्मिनल है इसका इस्तेमाल हम मैनुअल के लिए करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और इस वायर को ले जाते हुए हमारा जो स्टॉप पुश बटन है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देते हैं। उसके बाद ये जो टर्मिनल है इसका इस्तेमाल हम ऑटो के लिए करने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहीं से एक वायर को कनेक्ट करते हुए इस फ्लोट स्विच को कनेक्ट कर देंगे। अब इस फ्लोट स्विच का जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा उसको ले जाके हमें ओवरहेड टैंक को इनपुट पावर सप्लाई देना होगा। उसके बाद इसका जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा इसको ले जाके हमारा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है इसका जो A1 टर्मिनल होता है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। अब यदि हमारा ऑटो में मोटर ऑन होगा तो उस कंडीशन में हम मोटर को ऑफ नहीं कर सकते इस स्टॉप पुश बटन के द्वारा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसको इनपुट पावर सप्लाई हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके जो हमारा ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच था इसके कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा फ्लोट स्विच था इसका इस्तेमाल हमने सर्किट में डायरेक्ट ना करते हुए हमने अलग से इस्तेमाल कर लिए, इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है इसका जो एनओ कॉन्टैक्ट होता है इसका इस्तेमाल करके हम इन दोनों मोटर को चालू और बंद करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है इसका जो एनओ कॉन्टैक्ट है इसको हम स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम इस एनो कॉन्टैक्ट को भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं इस सर्किट डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच था इस सेलेक्टर स्विच को हमने मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट करके रखे हैं। अब यदि आप यहां पे पावर सप्लाई को ऑन कर देते हो और पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद पुश बटन को प्रेस करते हो तो सबसे पहले हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा, यानी कि मोटर 1 हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आप इस सेलेक्टर स्विच के पोजीशन को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में पावर सप्लाई हमारा इस फ्लोट स्विच में चला जाएगा और हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर तभी ऑन होगा जब हमारा वाटर लेवल का जो कंडीशन है वो ओके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो नीचे का पानी का टैंकी है वो फुल है और ऊपर वाला जो पानी का टैंकी है उसका पानी का लेवल कम है, तो उस कंडीशन में हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो इसका जो एनओ कॉन्टैक्ट होगा वो एनसी बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये कॉन्टैक्ट एनसी बन गया है और ये भी एनसी बन गया है, लेकिन यहाँ पे इसके एनसी कॉन्टैक्ट बनने के बाद भी हमारा मोटर ऑन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से कोई भी पावर सप्लाई इस सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है इसका जो एनओ कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल हमें करना होगा। यहाँ पे जो हमारा एनओ कॉन्टैक्ट है इसको हम इस सेलेक्टर स्विच
के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या होगा उसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब आप इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजिशन पर सेलेक्ट करोगे तो उस कंडीशन में पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में जाएगा। जैसे ही हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में पावर सप्लाई जाता है तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा और इस कंडीशन में क्या होगा, इसके जितने भी एनो कॉन्टैक्ट है वो एनो से एनसी बन जाएगा और यदि ये एनसी बन जाता है तो उस कंडीशन में पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस सर्किट में पावर सप्लाई दे देगा। अब ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है जहाँ पे भी सेलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पावर सप्लाई फ्लो होते हुए जो हमारा मोटर है उसको ऑन कर देगा। मोटर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है वो इसी कॉन्टैक्टर का है, तो इसके ऑन होने से ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी बन गया, जिससे क्या हुआ जो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए आया वो डायरेक्टली फ्लो होते हुए हमारे मोटर को ऑन कर दिया। अब यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को इस पोजिशन पर सेलेक्ट करते हो तो भी हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी हम इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किए हैं, जिससे क्या होगा पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में तैयब जी ने यह भी कहा था कि जो हमारा मोटर है यदि उन दोनों मोटर में से कोई भी मोटर यदि खराब हो जाता है तो हमारा जो दूसरा मोटर है वो ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड के बाद ऑन होना चाहिए। देखिए, कहीं पे भी यदि टाइम का मेंशन किया गया है तो उस कंडीशन में आपको टाइमर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो तैयब जी के अनुसार हमें 5 सेकंड के बाद में मोटर को ऑन करना है, लेकिन मैं इस सर्किट में टाइमर का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि यदि मैं इस सर्किट में टाइमर का भी इस्तेमाल करता हूं तो आप इस सर्किट डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो मैं यहां पे सिंपल एक्सप्लेनेशन को रखने के लिए मैं यहां पे डायरेक्टली मोटर को ऑन कर दूंगा, यानी कि जैसे ही हमारा मोटर 1 ट्रिप होगा तुरंत ही हमारा मोटर 2 ऑन हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। यदि आप चाहते हो कि मैं टाइमर का भी इस्तेमाल करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मिनिमम 20 जनों को कमेंट करना होगा कि टाइमर के साथ में वीडियो को एक्सप्लेन करिए, तभी जाके मैं टाइमर का इस्तेमाल करते हुए इस सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। अभी के कंडीशन में आप नॉर्मली समझ लीजिए। देखिए, यहां पे जो हमारा मोटर नंबर 1 है इसके ट्रिप होने के बाद हमें मोटर नंबर 2 को ऑन करना, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मोटर है इसके प्रोटेक्शन के लिए जो हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे उसका जो एनसी कॉन्टैक्ट होगा उसका इस्तेमाल कर लेंगे। यहां पे हमारे पास में दोनों मोटर का ओवरलोड रिले है, जो हमारा ओवरलोड रिले था उसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल हमने सर्किट डायग्राम में किए थे। अब जो एनो कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल हम मोटर को ट्रिप होने के बाद दूसरे मोटर को चालू करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हुए ले जाएंगे और जो हमारा ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट है इन दोनों एनो कॉन्टैक्ट को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले 2 है यानी कि इस कॉन्टैक्टर के साथ में जो ओवरलोड रिले लगाया गया है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा उसको ले जाके हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि ये जो हमारा M1 कॉन्टैक्टर है इसको ऑन करने के लिए M2 कॉन्टैक्टर के साथ में जो ओवरलोड रिले लगाया गया है उसका इस्तेमाल हमने कर लिए। अब इसके बाद M1 कॉन्टैक्टर के साथ में जो ओवरलोड रिले लगाया गया है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा उसको ले जाके हम M2 कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार समझ लीजिए किस प्रकार से हमारा ये ओवरलोड रिले मोटर को ऑन करेगा। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। अभी के कंडीशन में हमारा जो सेलेक्टर स्विच है वो ऑटो में सेलेक्ट है। इस कंडीशन में ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो इस मोटर को ऑन कर रहा है क्योंकि हमने सेलेक्टर स्विच को इस मोटर को ऑन करने के लिए सेलेक्ट करके रखे हैं। अब होगा क्या, यदि हमारा मोटर रन होते होते ओवरलोड कंडीशन में ट्रिप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मोटर ट्रिप हो गया यानी कि एनसी कॉन्टैक्ट एनओ बन गया है। जैसे ही ये ओपन होता है तो इसका जो एनओ कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएगा और एनसी बनने से क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्टली M2 कॉन्टैक्टर में चला जाएगा, जिससे कि हमारा M2 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अब इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने से इसका जो एनओ कॉन्टैक्ट है वो एनओ से एनसी बन जाएगा और पावर सप्लाई रिवर्स में यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि इस सर्किट में भी पावर सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आप सेलेक्टर स्विच को इस पोजिशन पे भी सेलेक्ट करके रखोगे और उस कंडीशन में यदि आपका ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में ये जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएगा और एनसी बनने के बाद हमारा जो M1 कॉन्टैक्टर है इसको ऑन कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो तैयब जी के द्वारा जो लॉजिक दिया गया था उस लॉजिक के अनुसार हमने इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर दिए हैं।
दोस्तों फ्लोट स्विच किस प्रकार से वर्क करता है यदि आप जानना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, और यदि लॉजिक कंट्रोल वायरिंग के सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।